हेलो दोस्तों, लर्निंग अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टूलबार रीसेटिंग के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे राइनो 5 का जो टूलबार है वो सारा गायब हो चुका है। दोस्तों, कभी कभार ऐसा हो जाता है किसी प्रॉब्लम की वजह से जो आपका टूलबार है वो गायब हो जाता है। तो दोस्तों, टूलबार को दोबारा वापस लाने के लिए कीबोर्ड पर टूलबार रीसेट टाइप करना है आपको। चलो हम टाइप कर लेते हैं TOOL टूलबार रीसेट। तीसरे नंबर पर आप देख सकते हैं कि टूलबार रीसेट का कमांड आ चुका है, तो इसे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद टूलबार रीसेट कमांड की तरफ से एक नोटिफिकेशन आएगा, यू मस्ट रीस्टार्ट राइनो फॉर द टूलबार टू फिनिश रीसेटिंग। दोस्तों, ये कह रहा है कि आपको राइनो को रीसेट करना होगा और उसके बाद ही टूलबार आएगा। तो सिंपली आपको इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको सॉफ्टवेयर को जो है क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद दोबारा आपको जो राइनो है उसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये थोड़ा टाइम लेगा। अब दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम थी वो अब सॉल्व हो चुकी है। वो जितने भी हमारे सारे टूलबार जो थे वो दोबारा वापस आ गए हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और भी सीखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।